Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. इस एक्सक्लूसिव खास बातचीत में हम आपके सामने लेकर आए हैं नॉर्थ ईस्ट के उम्मीदवार कांग्रेस के कन्हैया कुमार, जो एनएसयूआई के इंचार्ज भी हैं, कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता हैं और कभी विवादों में, कभी नारों में, कभी जनता के बीच घिरे रहते हैं। जमीन से जुड़े नेता कन्हैया कुमार अक्सर आपको भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चलते भी नजर आ जाते हैं। कन्हैया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। और ये वो वक्त है जो कहा जाता है ना कि अगर जुस्तुजू हो तो सफर खत्म कहाँ होता है, यूं तो हर मोड़ पर मंजिल का गुमा होता है। एक मंजिल थी आपकी जब आपने शुरू किया था अपना सफर जेएनयू से, और अब आप एक नेता बने, फिर पार्टी में आपने जिम्मेदारी संभाली। पहले भी आप लोकसभा की चुनावी रण में अपनी किस्मत बिहार से आजमा चुके हैं, लेकिन इस बारी पिच अलग है। कितनी बड़ी चुनौती आपके सामने, क्योंकि मनोज तिवारी खड़े हैं। सबसे पहले तो आप दोनों को नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और आपने कहा कि आपका सफर जेएनयू से शुरू हुआ, नहीं, मेरा सफर जेएनयू से नहीं शुरू हुआ है, मेरा सफर मेरे परिवार से शुरू हुआ है, मेरा सफर मेरी माँ के गोद से शुरू हुआ है। और जीवन की यात्रा में स्वाभाविक बात है, हम दिल्ली आए और जेएनयू जाने से पहले दिल्ली आए। 2009 में हम दिल्ली आ गए थे यूपीएससी की तैयारी के लिए, और 2011 में हमारा एडमिशन हुआ, और 2018 में एमफिल और पीएचडी दोनों मिला करके 18 में जो है वहाँ से हमने डॉक्टरेट की उपाधि ले ली। 2019 में हम चुनाव लड़े, और आपने कहा कि आप अपना किस्मत आजमा चुके हैं। हम अपना किस्मत नहीं आजमा रहे थे, क्योंकि जो है मुझे कर्म पे भरोसा है, गीता में भी लिखा हुआ है कि कर्म करना चाहिए, भाग्य पे जो है ना भरोसा नहीं करना चाहिए। तो हम जनता के बीच गए अपने मुद्दों को लेकर के, जनता को उस वक्त जो है और मुद्दे पसंद आए, और उन्होंने जो है किसी और प्रत्याशी को अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया। ठीक उसी प्रकार से इस बार भी इंडिया की तरफ से जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जो है प्रत्याशी हूँ। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दिल्ली की जनता को, अपनी पार्टी को, इंडिया के जो है बाकी घटक दलों को, कि मुझे जो है ये जिम्मेवारी दी गई है। इस बार भी हमारे पास एक एजेंडा है, हम एजेंडा लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे। अगर वो मुद्दे उनको पसंद आएंगे, अगर वो उस मुद्दों से सहमत होंगे, अगर उनको हम में विश्वास दिखेगा कि हाँ ये इन मुद्दों को लड़ सकते हैं, तो वो जो है अपना प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट में करने का अधिकार देंगे मुझे, मेरी पार्टी को और हमारे गठबंधन को। अगर उनको लगेगा कि नहीं जो है उनके लिए अभी दूसरे मुद्दे ज़्यादा ज़रूरी हैं और जो है उनका प्रतिनिधित्व कोई और करे, कोई और गठबंधन, कोई और पार्टी करे, तो कोई और करेंगे। लोकतंत्र में चीज़ें ना बड़ी सिंपल है, बड़ी सीधी है, अननेसेसरी जो है ना राजनीति में लोग उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। पर थोड़ा मामला कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे मनोज तिवारी एकमात्र बीजेपी के ऐसे सिटिंग एमपी हैं जिनकी सीट रिपीट हुई है। और अगर हम आंकड़े देखें तो उनका जो वोट प्रतिशत है 2014 में 45% उनको मिला था, और इसके बाद जो है लगभग 53% उनका वोट प्रतिशत 2019 में पहुंच गया। सेलिब्रिटी भी है, बड़ा चेहरा भी है और पूर्वाचली है। आपको वो एक कहानी याद है हिरण्यकश्यप वाली और भक्त प्रहलाद वाली? तो वो जो है ना राजा थे भक्त प्रहलाद के जो है पिताजी, और जो है बड़े जो है बड़ा जो है उनका राक्षसों के बीच में जो है बड़ा प्रभाव था। तो वो कहते थे अपने बेटा को कि जो है ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहना बंद करो। छोटा सा बच्चा था, बोला कि नहीं, मैं अपने विश्वास पर अडिग हूँ। पूरा दरबार, पूरा जो है राज, उनके उनके पिताजी राजा, उनके सारे दोस्त राजा, वो किसी के बात से सहमत नहीं होते थे। और आज जो है हम लोग भक्त प्रहलाद को याद करते हैं, हिरण्यकश्यप को याद नहीं करते हैं। उसी तरह से जो आप ये आंकड़े गिना रहे हैं ना, वो आंकड़े भले उनके पक्ष में है, मेरा फिर एक सिंपल सा सवाल है कि अगर वो चुनाव जीत ही गए हैं तो जो है इस 40 डिग्री टेम्परेचर में जो है उनको नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो 5 साल में वो एक बार जाते हैं, उनको जाने की क्या जरूरत है अगर वो चुनाव जीत ही गए हैं? देखिए, चुनाव तब तक कोई नहीं जीता है ना जब तक जनता ने वोट दे करके किसी को जिता नहीं दिया है, बटन दबा करके किसी को जिता नहीं दिया है। और ये सब आंकड़े जो हैं ये बदलते रहते हैं। 2009 में, ज्यादा दिन तो नहीं हुए, 2009 में हमारे सांसद थे वहां से, और उनको जो है लगभग 60% वोट आया था। और आंकड़े आप देखिए कि जो है विधानसभा और लोकसभा के आंकड़े भी बदल जाते हैं। विधानसभा में अगर आप देखेंगे तो जो है हमारा वोट की संख्या और परसेंटेज जो है
वो कम है, लेकिन लोकसभा में जो परसेंटेज भी ज्यादा है, संख्या भी ज्यादा है, तो मुकाबले में है, मुकाबला अभी बाकी है, मुकाबला अभी हुआ नहीं है और फैसला तो अभी बहुत दूर है, फैसला जनता को करना है, इसीलिए ये सब आंकड़े मायने नहीं रखते। नहीं है जी, आपकी एंट्री होती है दिल्ली के अंदर, आप बेगूसराय से पिछली बार चुनाव लड़े, ये कहा जा रहा है कि दिल्ली कांग्रेस में जो है आपको लेकर एक फूट है और कुछ जो आपको लेकर एक प्रदर्शन भी हुआ डीपीसीसी के बाहर, कुछ लोगों ने आकर नारेबाजी भी करी। किसके लिए हुआ है? आपके लिए नहीं होने पर संदीप दीक्षित भी नाराज बताए जा रहे हैं, मतलब शीला दीक्षित लड़ी थी वहां से और फिर बाहरी बोला जा रहा है कि बाहरी बोला जा रहा है आपको। अच्छा, एक तो देखिए हम बिहारी आदमी हैं, बिहारी आदमी जब ट्रेन पकड़ता है ना बिहार से तो कहीं तो जाएगा, किसी स्टेशन पे पहुंचेगा, तो भारत के किसी भी हिस्से में जाता है ना, बिहारियों को बाहरी कहना ये कोई नई बात नहीं है, कहा जाता है। रही बात हमारी पार्टी में नाराजगी की, बात ऐसी कोई बात नहीं है, और नाराजगी अगर है तो मैंने इसको नकारात्मक तौर पे नहीं लेता हूँ, ये तो सकारात्मक बात है। इसका मतलब एक एक सीट पे जो है पार्टी के पास कई दावेदार हैं। तो कुछ दिन पहले लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं दिल्ली में तो कांग्रेस खत्म हो गई है, कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं तो फिर टिकट की दावेदारी कौन कर रहा है। तो मैं इसमें कोई नकारात्मक बात नहीं देखता हूँ, और कांग्रेस पार्टी की ना एक खूबी भी है कि आप अपनी नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं। बीजेपी थोड़ी है कि प्रधानमंत्री जी के लिए एक शब्द बोल दिया तो जो है हो गया आपका जो है जीवन खत्म, राजनीतिक जीवन समाप्त, ऐसा तो होता नहीं है। तो मेरे सामने किसी ने व्यक्त नहीं किया है, अगर है तो ये स्वागत योग्य है, इसमें कोई चिंताजनक बात नहीं है। और पार्टी ने एक बार ऑफिशियल कैंडिडेट बना दिया, जिसको सिंबल दे दिया, और वही प्रत्याशी है, वो प्रत्याशी है, और बाकी सब लोगों को जो है उनके साथ काम करना होता है, लोग काम करते हैं। कहते ना कि राहुल गांधी को कन्हैया पसंद है लेकिन तेजस्वी को कन्हैया पसंद नहीं, तो इसलिए आपकी बेगूसराय में नो एंट्री होगी। अच्छा रहता बिहार से लड़ते, आपकी जमीन है, आपने कहा मैं वोटर हूँ, मैं जाऊंगा वहाँ वोट देने के लिए, इंडिया एलायंस को वोट करूंगा, वोट करूंगा इंडिया एलायंस को, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए क्या मुझे मालूम है, मतलब आप जिस प्रोफेशन में हैं और हम जिस प्रोफेशन में हैं, हमारे रिलेशन जो है ना वो कई बार जो है बड़ा गर्मा गर्म रहती है, और आपके लिए जरूरी है कि उसमें थोड़ा सा मसाला हो। अच्छा, आपको टिकट मिल जाता, मतलब मैं तो ऐसे मसाला बना रही हूँ, वरना तो आपको टिकट मिलना तय था, पार्टी आपकी मांग रही थी। देखिए एक बात बताइए, टिकट अगर चुनाव लड़ना ही अगर उद्देश्य है तो मैं अभी भी चुनाव कहीं से लड़ सकता हूँ, इस देश का कोई भी मतदाता कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, ये जनरल इलेक्शन है। आप भी चाहें तो बेगूसराय से लड़ सकती हैं, आप भी चाहें तो नॉर्थ ईस्ट से लड़ सकते हैं, वही बात है, इसको समझना पड़ेगा कि चुनाव तो लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है। अगर हमने गठबंधन बनाया है, हमने सब पार्टियों को बिठाया है, जुटाया है, और उसमें ये तय हुआ कि इस बार उस सीट से जो है कांग्रेस नहीं लड़ेगी, कोई और दल लड़ेगा, तो अब वही हमारे प्रत्याशी हैं। 543 सीट पे जहां जहां गठबंधन बना हुआ है तो हर जगह तो कांग्रेस नहीं लड़ेगी। तो कैंपेन करेंगे आप उनके? क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करें। मैं कह रहा हूँ मैं वोट देने के लिए जाऊंगा। आप इंडिया अलायंस अलायंस के पार्ट है ना, तो इसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। और पसंद नापसंद ये सब मायने रखता है क्या? असल चीज क्या होता है राजनीति में? था तेजस्वी का विरोध किया था कहा जा रहा है, इसीलिए नहीं। अभी हम लोग जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो है साथ में थे, हाथ हाथ मिलाए थे, और जो है मंच पे थे, रैली थी इंडिया गठबंधन की पटना में, वहां भी थे। देखिए ये बात बोली जरूर जाती है लेकिन मैंने जो है कभी भी इसको तथ्यात्मक रूप से कहीं पाया नहीं, महसूस नहीं किया, महसूस नहीं किया। खुद आपको नापसंद करते हो या लालू मेरे सामने? देखिए आप अगर अपने मन में मुझे नापसंद करते होंगे मुझे क्या पता, आप तो जब भी मिलते हैं अच्छे से ही मिलते हैं, अच्छी बात करते हैं, पुराने जो इंटरव्यू है उसको याद दिलाते हैं, तो आप कोई मुझे कहे कि जो है मौसमी आपको पसंद नहीं करती है तो मैं इसको कैसे मानूं? हो सकता है कि आप दूसरे जगह कुछ कहीं बोलते हो, लेकिन मेरे सामने नहीं बोलते हैं, तो मैं तो कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो जो मेरे सामने प्रत्यक्ष है हम वही मानेंगे, हमारे साथ जो आप व्यवहार करते हैं वही मानेंगे। और चुनाव लड़ने को लेकर के मेरी समझ बिल्कुल साफ है, अगर मैं इतना व्यक्तिवादी होता ना तो कोई भी व्यक्ति कहीं जाकर के चुनाव लड़ सकता है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, अधिकार है मेरा। लेकिन अगर हम एक पार्टी में हैं तो ये फैसला पार्टी लेगी, ये फैसला नेतृत्व लेगा। पीएम मोदी उल्टा कह रहे हैं कि कांग्रेस को जनता की जरूरत नहीं है, कांग्रेस आपका जो स्त्री धन है
वो बांट देगी, मंगलसूत्र आपका जो है दूसरों को दे देगी, घुसपैठियों को दे देगी, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको दे देगी, तो उसमें क्या आपको लगता है? इस पे प्रधानमंत्री से आपकी बात हुई? प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों को बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? प्रधानमंत्री तो अभी बोला है, तो अभी कहाँ उनसे बात हुई? आप एक सर्वे, पिछले 10 साल में बात हुई है, रिकॉर्ड बोला है? नहीं, मैं कह रहा हूँ पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी से आप लोगों की कोई बात हुई है? आपको भी पता है प्रधानमंत्री ने प्रेस वार्ता नहीं किया है ना, इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री प्रेस वार्ता इसलिए नहीं करते हैं कि आप उनसे सवाल पूछेंगे तो उनका झूठ पता चल जाएगा देश की जनता को। प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी एक पूर्व प्रधानमंत्री जी के ऊपर एक निराधार आरोप लगा रहे हैं, उनके कथन के बारे में झूठ बोल रहे हैं, और वो जिस लिहाज से बात कही गई कि इस देश में वो पहला हक नहीं कहा उन्होंने, दावा कहा। हक और दावा में फर्क होता है ना, और यह तो जो है संविधान कह रहा है ना, ये संविधान कह रहा है कि इस देश के अंदर जो गरीब लोग हैं उनको अधिकार देना इस देश की एकता के लिए, इस देश के विकास के लिए, इस देश की प्रगति के लिए जरूरी है। जैसे आपका दोनों हाथ है, ये हाथ आपका कमजोर होने लगे तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे ना, इलाज कराएंगे ना, इसमें क्या अन्यायपूर्ण है? प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे को भटका रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास इस देश के लोगों के लिए रोजगार के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं एक चीज पूछ रही हूँ आपसे कि अमित, आपने कहा राहुल गांधी के बारे में कि सांसद थे तब सदस्यता गई, क्या उनको अभी वायनाड से उनका इलेक्शन है, क्या अमेठी से भी उनको लड़ना चाहिए, क्या प्रियंका गांधी को भी उतरना चाहिए? ये लगातार आपको क्या लगता है? ये फैसला पार्टी नॉर्थ से है, आप नॉर्थ के नेता हैं। नहीं, ये नॉर्थ साउथ डिवाइड मत कीजिए, पूरा देश है, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक भारत एक है, ठीक है। ये नॉर्थ साउथ डिवाइड नहीं करना है, इस देश में हर भाषा बोली के जो लोग हैं उनका देश है ये, और बतौर नेता बतौर राजनीतिक पार्टी सबका मुद्दा उठाना हमारा काम है, ये डिवाइड नहीं करना है। रही बात चुनाव लड़ने का, इसका फैसला पार्टी लेगी, व्यक्ति नहीं लेगा, इसका फैसला पार्टी ले, पार्टी जिसको जो जिम्मेवारी दे वो जिम्मेवारी। जीतेंगे वो अगर लड़ेंगे अमेठी से, आपको लगता है? बिल्कुल क्यों नहीं जीतेंगे, स्मृति ईरानी है उधर, हराया पिछली बार, स्मृति ईरानी जमी रही है, घर भी ले लिया है वहाँ पे। देखिए हम चुनाव लड़ते हैं ना तो अपने नाम पे वोट मांगते हैं, अपना प्रोमिस देते हैं, और पार्टी जो घोषणा पत्र बना करके लाती है ये विश्वास पैदा करते हैं कि घोषणा पत्र हम लागू करेंगे, पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी है उसका निर्वहन करने का प्रयास करते हैं। ये सब तो सब मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहिएगा इनका? तो मोदी जी के नाम पे जीत भी रही है पिछली बार, अच्छी बार भी जीतेंगे कि नहीं? तो जीत जाएं, इसमें क्या दिक्कत? राहुल गांधी अगर लड़े उनके खिलाफ, देखिए कौन लड़ेगा इसका फैसला पार्टी करेगी, जो लड़ेगा उसका एक ही काम है कि वो जो कांग्रेस पार्टी न्याय पत्र लेकर के आई है उस न्याय पत्र को लेकर के घर घर जाए, जनता में विश्वास पैदा करे कि आप अगर हमको अवसर दीजिएगा हमारी सरकार बनेगी तो ये पांचों न्याय हम लागू करेंगे, ये हमारा काम है। अमेठी से ही सटा रायबरेली है, और आपको देर भी हो रही है, इसलिए काहे हमको जो है उत्तर प्रदेश का ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। आपको लगता है? नहीं, मुझे लगता है प्रियंका गांधी लगातार रैलियां कर रही है, उनके भाषण में काफी तंज होता है, सीधे हमला भी करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, आपको लगता है? प्रधानमंत्री मोदी पे कोई हमला नहीं करता है, प्रधानमंत्री ने जो वादा किया ना जो वो पूरा नहीं कर रहे हैं वो याद दिलाते हैं। कोई व्यक्तिगत हमला कांग्रेस पार्टी का कोई नेता प्रधानमंत्री पे व्यक्तिगत हमला नहीं करता है, प्रधानमंत्री जो अपने वादे भूल गए हैं ना हम लोग बस उनको याद दिलाते हैं। क्या आपको लगता है प्रियंका गांधी को ज्यादा जिम्मेदारी दी जानी चाहिए या उनको आगे आना चाहिए? ये सब फैसला तो जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी में होगा ना, आपका इक्वेशन, आपकी मीडिया इंटरव्यूज में ये सारे फैसले नहीं होंगे, ये तो पार्टी फोरम में ये डिसीजन होगा। हाउ कैन यू एंड आई डिसाइड, द फोरम विल डिसाइड किसका क्या जिम्मेवारी होगा। पर दिल्ली में आपको लगता है, दिल्ली में जो आपके साथ कॉम्बिनेशन हो गया है कांग्रेस का, दोनों के वोट शेयर अगर 19 के मिला लें तो लगभग 40% पहुंचता है, फिर भी बीजेपी के पीछे है, पर अरविंद केजरीवाल के साथ राहुल गांधी, दिल्ली में मामला जमेगा आप लोग? देखिए पता नहीं, मैं बार बार आप लोगों को एक बात पे टोक रहा हूँ, राजनीति को लेकर के जो आपका पर्सपेक्टिव है, ठीक है ना, और वो पिछले कुछ सालों में बना है मैं जानता हूँ, उस पर्सपेक्टिव से मैं राजनीति नहीं देखता हूँ। मैं राजनीति देखता हूँ कि राजनीति में अलग अलग विचार के लोग होते हैं, सबसे पहले एक वैचारिक सहमति बनती है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, और फिर उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के हम जनता में जाते हैं, अपने समर्थक में जाते हैं, जनता और समर्थक अगर उसको स्वीकार करता है तो वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लागू करने का आपको मौका देती है, आपको सरकार बनाने का मौका देती है, ये प्रोसेस है।
एक कॉमन मिनियन प्रोग्राम दिल्ली का भी है कि जिस तरह से दिल्ली को अपमानित किया गया है, जिस तरह से पहले बार बार बीजेपी कहती थी कि दिल्ली को हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, आज ये बात बोलना बंद कर दिए और टू द एक्सटेंट वहां तक चले गए, कहते हैं ना कि आपसे दुश्मनी में इस कदर दीवाने हुए कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके खिलाफ अध्यादेश लेकर के आ गए। एन केन प्रकारेन जो है अध्यादेश ले आया कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है दिल्ली सरकार के अंदर नहीं होगा, पुलिस पहले से दिल्ली सरकार के अंदर नहीं है, तो उसके अधिकार लगातार कम किए जा रहे हैं। फिर ये चर्चा करना शुरू कर दिए कि दिल्ली में तो अब विधानसभा ही नहीं रहेगी, विधानसभा ही भंग कर देंगे, सिर्फ मेयर रहेगा। तो दिल्ली तो बीजेपी के खिलाफ काम कर रही है और दिल्ली के जो लोग हैं, दिल्ली के लोगों से इसीलिए बीजेपी बदला लेना चाहती है, उनको तंग करना चाहती है, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही है। उनके लिए बिजली की व्यवस्था करने वाला, सड़क की व्यवस्था करने वाला, स्कूल खोलने वाला, जो जनता यहाँ के साधारण हैं दिल्ली के, उनके अपेक्षाओं को पूरा करने वाले मुख्यमंत्री को उन्होंने जेल में डाल दिया। तो वो मुख्यमंत्री को जेल में नहीं डाले, वो एक्चुअली दिल्ली की जनता को अपमानित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो हमको वोट नहीं दोगे तो हम तुम्हारे साथ ये बदला पूर्वक कार्रवाई करेंगे। और इस बात पे कांग्रेस और आप उसके वर्कर उसके नेता दोनों में सहमति है कि यह जो हो रहा है यह ठीक नहीं है। कन्हैया जी, आपने हम लोग को इतना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं ना कि अभी सितारों के आगे जहां और भी है, कैंपेन अभी और सियासत के इम्तिहान और भी होंगे। जरूर जरूर, फिर मिलेंगे एक बारी कहीं और किसी वक्त पर। तो ये थे कन्हैया कुमार आज तक में खास बातचीत में हमारे और राहुल गौतम के साथ जुड़े, और जाहिर तौर पे तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपने अंदाज में बड़ी बेबाकी से हमसे बातचीत की। शुक्रिया।